जय महाकाल। पित्र पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर से चालू हुए हैं। पितृ दोष करने का यह सही समय या फिर सही संयोग माना जाता है। जिनकी कुंडली में पितृ दोष है वो ये उपाय कर सकते हैं, या जिन्हें भी बताया गया है कि आपको पितृ दोष है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सटीक है, रामबाण उपाय है, लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। पितृदोष के कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं, शादी नहीं होती है, वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, अक्सर पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, घर में क्लेश रहता है, परिवार में एकता नहीं होती है, मानसिक तनाव बना रहता है, शांति नहीं मिलती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है, कोई काम नहीं बन रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में अच्छा नहीं चल रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सारी परेशानियां चलती रहती हैं। तो ये सब जो लक्षण है या पितृ दोष के लक्षण है, जिन्हें भी ये परेशानी है वह यही उपाय कर सकते हैं। उपाय करना क्या है, किचन को पूरी तरह से साफ कर लें, और जहाँ पर भी आप पीने के पानी की जगह हो, जहाँ आप मटका रखते हैं, घड़ा रखते हैं, हंडा रखते हैं पीने के पानी का, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। एक छोटी सी कटोरी लेना है, पीतल की लें या तांबे की लें, स्टील की बिल्कुल भी ना लें क्योंकि यह लोहा होता है, तो आप चांदी की ले सकते हैं तो इसे ले लें। उसमें थोड़े से चावल ले लें, चावल अक्खे होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लें, उसको अगर है तो बीन लें, उसमें जो भी टुकड़े लें हैं उसे अलग करें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर छिटक दें, थोड़ा सा चंदन छिटक दें, और सफ़ेद फूल ले लें, एक बेलपत्री ले लें, 5 दूरवा ले लें, 1 बतासा रख दें, और उसे उस जो पीने के पानी का बर्तन है उसके पास में इसे रख दें, और सुबह और शाम आपको घी का दीपक लगाना है। कम से कम आपको 3 दिन ये ज़रूर करना है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, या फिर आप 15 दिन करें तो यह अति उत्तम है। इसके बाद में आप लास्ट दिन इसे उस चावल को लिख करके पूरे घर में 2-2 4-4 चावल पूरे घर में छिटक दें, और बचे हुए चावल को चिड़ियों को डाल दें, और बाकी का सामान है उसे जल में विसर्जित कर दें। पितृदोष का यह बहुत ही अचूक उपाय है। जय महाकाल।